दिन कोई ना कोई गजब मामला निकल कर सामने आ जाता है। ताज़ा मामला राजस्थान के कोटा शहर का है। यहाँ तीन युवा अपने 15 साल पुराने डेयरी के पारिवारिक व्यवसाय को एक अलग अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। अब यह उद्यमी ई कॉमर्स साइट अमेजन पर उपले बेच रहे हैं। एपीआई ऑर्गेनिक फूड्स के तीन निदेशकों में से एक अमनप्रीत सिंह ने कहा कि हमें इस व्यापार में संभावनाएं दिखी। बीते 3 महीने से हम अमेजन पर उपले बेच रहे हैं। यह उपले क्वार्टर प्लेट आकार के हैं और इनकी कीमत प्रति दर्जन 120 रुपए है। मौजूदा समय में हम हर हफ्ते 500 से 1000 उपले बेच रहे हैं। सिंह ने कहा, हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, खास तौर से मुंबई, दिल्ली और पुणे से। उपलों को इस तरह पैक किया जा रहा कि यह टूटे नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि डेयरी फार्म के अपशिष्ट से बिजली, गैस, वर्मी कंपोस्ट और उपले बनाए जाते हैं। कंपनी ने पशुओं के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगाया, जिससे जानवरों के स्वास्थ्य और पोषण पर दुनिया में कहीं से भी नजर रखी जाती है। निदेशक का दावा है कि यह डेयरी फार्म राजस्थान का पहला बायोगैस संयंत्र है जो बिजली का उत्पादन करता है। यह फार्म में बिजली का एकमात्र स्रोत है। यह रोजाना 40 किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। इससे सालाना 24 लाख रुपए की बचत होती है।